देखो वो ह्यूमन एक्टिविटीज जिससे हम इनकम जनरेट कर सकते हैं जिनसे हम पैसे कमा सकते हैं उन एक्टिविटीज को कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज ओके जनरली अगर इसको समझा जाए तो हम बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में वी स्लीप वी ईट फूड बहुत सारी चीजें करते हैं बट कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है जिनको करके हमें क्या मिलता है इन एक्सचेंज मनी मिलती है हमें तो उन एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अब जो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है ये भी फर्दर बहुत सारे टाइप्स की होती हैं यहाँ पर हमें फोर टाइप्स बताए हुए हैं तो पहले हम उनको ये डिस्कस कर लेते हैं जैसे कि हो गई हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज सेकेंडरी एक्टिविटीज़ टर्सरी एक्टिविटीज़ एंड क्वार्टनरी एक्टिविटीज़ अब ये सारी एक्टिविटीज़ एक दूसरे से अलग है बट होलिस्टिकली अगर हम देखें तो इन सभी एक्टिविटीज को हम करके एट द एंड क्या जनरेट कर पा रहे हैं इनकम जनरेट कर पा रहे हैं अब देखो प्राइमरी एक्टिविटीज सेकेंडरी एक्टिविटीज टर्शरी एंड क्वार्टनरी एक्टिविटीज जो है एक दूसरे से अलग है ड्यू टू देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर्स इनका रॉ मटेरियल जो है अलग अलग जगहों से आता है इनकी टाइप्स थोड़ी सी अलग होती है इसीलिए ये एक दूसरे से अलग है एंड हम इसको वन बाय वन कर कर पढ़ेंगे सो so, अगर हम बिगिन करें प्राइमरी एक्टिविटीज़ को समझते हुए तो देखो प्राइमरी वर्ड हम यूज करते हैं बहुत ही बेसिक सेंस में ओके okay, हम बहुत ही बेसिक सेंस में यूज करते हैं सो so, इसीलिए जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं ये बहुत ही बेसिक एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें जो हमारा रॉ मटेरियल है वो आता है अर्थ की रिसोर्सेज से हम अर्थ के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं ठीक है अर्थ के रिसोर्सेज को हम यूज़ करते हैं एंड इन रिटर्न हम उससे अर्न uh, करते हैं अपने लाइवलीहुड को तो यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ में हम डायरेक्टली डिपेंड होते हैं अपनी इन्वायरमेंट पर ओके okay, हम यूटिलाइज करते हैं अर्थ के रिसोर्सेज को जैसे कि लैंड वाटर वेजिटेशन बिल्डिंग मटेरियल्स एंड मिनरल्स अब देखो इन एक्टिविटीज़ के अंदर फर्दर आ जाता है हमारा हंटिंग गैदरिंग क्योंकि देखो इन एक्टिविटीज़ में हम ना डायरेक्टली डिपेंडेंट है इन्वायरमेंट पर पेस्टोरल एक्टिविटीज़ फ़िशिंग फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर माइनिंग एंड क्यिंग ये सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर सबसे पहले हम बिगिन करेंगे हंटिंग एंड गैदरिंग से अब देखो हंटिंग एंड गैदरिंग ये आप बचपन से सुनते आए होंगे तो अब हम इसके पीछे की थोड़ी सी स्टोरी जानते हैं अब देखो जो अर्ली ह्यूमंस थे ना जो पुराने ह्यूमंस थे वो क्या करते थे अपनी सबसिसटेंस के लिए या फिर अपने सस्टेनेंस के लिए वो क्या करते थे सबसे पहली चीज़ वो एनिमल्स को हंट करते थे ठीक है दूसरी चीज़ वो एडिबल प्लांट्स को कलेक्ट करते थे ताकि वो उससे सस्टेन कर पाए ठीक है ताकि वो कुछ खा सके दैट्स फॉर दैट रीज़न वो इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करते थे अब यहाँ पर देखो क्या है जो ये प्रिमिटिव सोसाइटीज थी ना वो डिपेंड करती थी ऑन वाइल्ड एनिमल्स वन एक चीज हमें पता लग गई दूसरी चीज देखो जो पीपल है जो कि लोकेट है ऑन वेरी कोल्ड एंड एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट वो हंटिंग पर सरवाइव करते थे वेराज जो कोस्टल एरिया के लोग हैं वो फिशेस कैच करते हैं बट अब अगर हम आज का टाइम देखें तो अब जो फिश फिशिंग है ना उसने बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन को एक्सपीरियंस किया है क्योंकि अब बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस आ चुकी है और इसकी वजह से अब क्या हो रहा है कि बहुत सारी स्पीसीज जो है वो एक्सटेंट हो रही है एंड अब ये एक प्रॉब्लम बन चुकी है आपको ये भी पता होगा कि आजकल जो इलीगल हंटिंग है ना जिसको हम पोचिंग कहते हैं वो बैंड है अब इसका रीजन आप मुझे बता सक बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आजकल हंटिंग को बैन क्यों कर दिया गया है ओके okay. एक रीजन मैं आपको यहाँ बता देती हूँ क्योंकि जो प्रिमेटिव सोसाइटीज थी ना उनके पास बहुत ही ज़्यादा प्रिमेटिव टाइप के ओल्ड टाइप के टूल्स होते थे और उनके टूल से हम मास डिस्ट्रक्शन नहीं कर सकते थे मतलब मास हंटिंग भी नहीं हो सकती थी बट आजकल ड्यू टू टेक्नोलॉजी जो है हम हंटिंग भी बहुत ही ज़्यादा स्केल पर कर चुके हैं इसीलिए इसको बैन करना भी ज़रूरी था आगे चलते हैं अब जो ये गैदरिंग और हंटिंग है ना ये ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज है क्योंकि जो ये प्रिमिटिव ह्यूमंस हैं ये भी वही एक्टिविटीज करते थे तो ये आपको समझ आ गया होगा हंटिंग वो लोग करते थे जो कि हॉट या फिर वेरी कोल्ड इन्वायरमेंट पे रहते थे वेर आज गैदरिंग जो है वो हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस में जो लोग रहते थे प्रिमिटिव सोसाइटीज वो सारे गैदरिंग को करते थे अब हम आगे पढ़ते हैं कि जो गैदरिंग है ना हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस में होती है वे राज इसमें प्रिमेटिव सोसाइटीज इसको करती हैं वो क्या करते हैं वो एक्सट्रैक्ट करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स को टू तो सैटिस्फाई देअर नीड्स अपनी नीड्स को सैटिस्फाई करते हैं मतलब इनका जो मोटिव है ना वो कुछ ज्यादा ही कैपिटल ओरिएंटेड नहीं होता कि हमने गैदरिंग करनी है उसको फिर फर्दर बाटर करना है अगर मैं पुराने टाइम की बात करूं अगर अभी की भी बात करूं तो जो गैदरिंग एक्टिविटीज जो लोग करते हैं उनका मोटिव ये नहीं होता दैट आई विल अर्न उनका मेन मोटिव होता है टू सस्टेन अपनी नीड्स को फुलफिल करना ओके आगे चलते हैं अब देखो यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है टू साटिस्फाई देयर नीड्स बेसिक चीज़ वो इससे अर्न कर लेते हैं जैसे कि फूड शेल्टर क्लॉदिंग अब देखो जो ये एक्टिविटीज है ना सबसे पहले तो इनका कैपिटल कैपिटल मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ करने में बहुत ही कम अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए होता है हमें बिल्डिंग अमाउंट बहुत कम चाहिए होता है सेकंड चीज़ टेक्नोलॉजी बहुत ही लो लेवल की यूज़ होती है वह कई बार तो ऐसा भी होता है जब इसमें कोई टेक्नोलॉजी भी यूज़ नहीं होती और अगर हम बात करें यील्ड पर पर्सन वो बहुत ही ज़्यादा लो है सरप्लस की बात करें कि क्या ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के बाद कुछ सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा बचता है जिसको हम फर्दर मार्केट में जाके सेल कर सके तो नो no, अगर बचता है तो बहुत ही कम बचता है या फिर नहीं भी बचता तो बेसिकली देखो ये जो है वो नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए लोग अपने गैदरिंग करते हैं आसपास से सामान नेचर से इकट्ठा करते हैं अब गैदरिंग जो है वो फर्दर दो तरह के एरियाज में होती है ये आपको मैप में भी पूछा जा सकता है हम फर्दर मैप वीडियोज में अच्छे से पूरी टेरिटरीज भी देखेंगे अभी आप सिर्फ इसके नेम्स थोड़े से लर्न रख सकते हैं अब जो ये हाई लैटिट्यूड जोन है इसमें आ जाता है नदरिन कैनेडा नॉर्थ यूरेशिया सदरन चाइल्ड देन लो लैटिट्यूड एरियाज में आ जाता है अमेजोन बेसन ट्रॉपिकल अफ्रीका इंटीरियर्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया देखो यही चीजें यहाँ पर इन्होंने लिखी हुई है एमेजोन बेसन ट्रॉपिक ऑफ अफ्रीका नदरिन फ्रंट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया अब यहाँ बताया हुआ है अगर हम आज के टाइम की बात करें कि अब मॉडर्न टाइम आ गया है और आजकल क्या हो रहा है जो ये गैदरिंग एक्टिविटी थी जिसमें कोई सरप्लस नहीं बचता था आजकल यही गैदरिंग एक्टिविटीज़ कमर्शलाइज हो रही है मीन्स हम इससे भी अर्न कर सकते हैं क्योंकि आजकल क्या है जो गैदरर्स हैं ना वो वैल्यूएबल प्लांट्स जैसे कि लीव्स हो गया बार्क्स ऑफ ट्रीज़ हो गया मेडिसिनल प्लांट्स हो गया मतलब जो है वैल्यूएबल चीज़ें कलेक्ट करते हैं जो जिनकी वैल्यू जो मार्केट में वो बहुत ज़्यादा है ये यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है बट कंक्लूजन में अगर हम बात करें ना अगर हम ये सोचे कि आजकल तो गैदरिंग काफ़ी मॉडर्नाइज हो गई है तो क्या हम भी गैदरिंग में इन्वॉल्व हो जाए हो सकता है आने वाले टाइम में गैदरिंग बहुत ही बढ़िया एक्टिविटी बन जाए तो ये सब सोचने से पहले आप ये कंक्लूजन पढ़िए कि जो गैदरिंग है ना बहुत ही कम चांसेस है कि वो ग्लोबल लेवल पे आकर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बने क्योंकि जो प्रोडक्ट्स है जो प्रोडक्ट्स हम इस एक्टिविटी से जनरेट करते हैं ना वो वर्ल्ड मार्केट में सबसे पहली बात तो कम्पीट नहीं कर सकते सेकेंड चीज उनका कॉम्पिटिशन देखो जो ये गैदरिंग के जो हमने प्रोडक्ट्स हैं पहले तो ये कम्पीट नहीं कर सकते दूसरी चीज इनका कॉम्पिटिशन होता है सिंथेटिक प्रोडक्ट से जो कि अपनी क्वालिटी एज वेल एज अपने लोअर प्राइजेस के लिए जाने जाते हैं तो इसीलिए गैदरिंग के लिए सबसे बड़ा जो हम कहें चैलेंज है वो ये है कि सिंथेटिक प्रोडक्ट्स है वो इसको ओवरटेक कर लेते हैं अब हम आगे चलते हैं अब आ जाता है पेस्टोरलिज्म अब देखो अब यहाँ पर क्या है अर्लियर तो लोग क्या करते थे वो हंटिंग करते थे बट विद पैसेज ऑफ टाइम लोगों को रियलाइज हुआ कि जो हंटिंग है ना वो अनसस्टेनेबल है ओके okay, अनसस्टेनेबल है बहुत ज्यादा तो अगर हम जिस एनिमल को हम मार रहे हैं फॉर ईटिंग अगर हम उसी एनिमल को डोमेस्टिकेट करें फॉर एग्जांपल अगर कोई एनिमल है जिससे वी कैन हैव थिंग्स टू ईट जैसे कि काव है अगर तो हम ऐसे एनिमल को डोमेस्टिकेट करें तो हम उससे ज्यादा टाइम के लिए जो है हम सस्टेन कर पाएंगे तो इसलिए लोगों ने क्या किया एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना अपने घर पर पालना स्टार्ट कर दिया अब यहां पर लोग जो है वो क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से अपने एनिमल्स को सेलेक्ट करते थे और इसमें बहुत सारे जोग्राफिकल फैक्टर्स भी हैं जो कि डिपेंड करते हैं जैसे कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गया एनिमल ड्यूरिंग टूडे प्रैक्टिस ईदर एट सब्सिस्टेंस और एट कमर्शियल लेवल और आज ये कमर्शियल लेवल पर भी चीजें होती हैं आगे चलते हैं जो अब ये पेस्टोरलिज्म है ना ये फर्दर दो तरह का है देखो ये पेस्टोरलिज्म मैंने आपको यहाँ पर नोट्स के थ्रू थोड़े से पॉइंट्स में समअप किया है कि इसमें डोमेस्टिकेशन होती है एनिमल की डिपेंडिंग ऑन द जोग्राफिकल फैक्टर्स एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया जाता है फर्दर ये दो तरह का है सबसे पहले आ जाती है हर्डिंग अब देखो यहां पे मैंने आपको पिक्चर के थ्रू भी समझाया है सबसे पहले तो नोमैडिक हर्डिंग का दूसरा नाम पेस्टोरल नोमैडिज्म है अब ये जो है ना बहुत ही प्रिमेटिव तरह की एक्टिविटीज है अब देखो यहाँ पर जो प्रिमेटिव सबसिस्टेंस दो वर्ड है प्रिमेटिव मतलब ओल्ड सब्सिस्टेंस का मतलब होता है अपना इक like, अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने वाली एक्टिविटीज तो ये बहुत ज्यादा ओल्ड एक्टिविटीज है जिससे हम अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकते हैं अब देखो इन एक्टिविटीज में क्या है जो लोग है ना वो डिपेंड करते हैं अपने एनिमल पर उसी एनिमल पर वो डिपेंड करते हैं फॉर दर बेसिक नीड्स जैसे कि फूड क्लॉथिंग एंड शेल्टर ओके फर्दर इसके डिटेल्स अगर हम पढ़े तो जो पेस्टोरल नोमैडिज्म है इसके बेसिकली दो या फिर तीन मेन एरियाज हैं ठीक है यहाँ पर ये यह एक्सप्लेन क्या हुआ है इसके तीन मेन एरियाज के बारे में फिर हम यहाँ पर पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो कि है ट्रांस ह्यूमेंस फिर हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि आजकल इसका ट्रेंड इतना कम क्यों हो गया तो देखो जो ये नोमैडिक हर्डिंग है ना नाम मैंने आपको बता दिया इसका पेस्टोरल नोमैडिज्म भी कहते हैं ये प्रिमिटिव सबसेस्टेंस एक्टिविटी है जिसमें जो हर्डर्स है अपने एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं फॉर फूड शेल्टर एंड क्लोदिंग आगे चले तो इसमें क्या है जो लाइक uh, like, जो पीपल है वो मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरी जगह पर प्लेस टू प्लेस मूव करते हैं अपने एनिमल्स के साथ अब ये किस चीज पर डिपेंड करता है कि वो मूव करेंगे वो डिपेंड करता है अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ पैश्चर्स पर वाटर पर ईच नोमैडिक कम्युनिटी ऑक्यूपाइज वेल आइडेंटिफाइड टेरिटरी ऑफ ट्रेडिशन अब देखो यहाँ पर क्या है नाटीजाई करती है टेरिटरीज एज द मैटर ऑफ ट्रेडिशन मतलब उनका ट्रेडिशन होता है ये आगे चलते हैं जो एनिमल्स कुछ बेसिक एनिमल्स जो कि एज पर प्लेसेज जो है वो रखे जाते हैं जैसे कि देखो यहाँ पर मैंने टेबल बना दिया अंडरस्टैंडिंग के लिए

एंड अटलान्ट शोर्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका ईस्ट वर्ड्स अक्रॉस द अरेबियन पैनन्सुला इन टू मंगोलिया एंड सेंट्रल चाइना है थोड़ी सी इसकी लोकेशन है मैप के थ्रू आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी है अब जो ये सेकेंड रीजन है ये एक्सटेंड करता है ओवर टोन्ड्रा रीजन ऑफ यूरेशिया इन सदर्न हेमस्फेयर देर आर स्मॉल एरियाज इन साउथ वेस्ट अफ्रीका एंड ऑन आईलैंड ऑफ मैंडा गैसकर ये सारे इसके मेजर एरियाज इन्होंने बताए हुए हैं आगे चलते हैं तो यहाँ पर एक प्रोसेस है ट्रांस ह्यूमेंस की अभी जैसे इसका नेम कॉम्प्लेक्स है ना उतनी ही ज्यादा ये जो प्रोसेस है आसान है बेसिकली देखो क्या है आप समझो अभी समर्स चल रही है आपकी होगी समर वेकेशन तो अभी आप क्या करोगे अगर आप रह रहे हो कहीं बहुत ज्यादा गर्मी वाले एरिया में तो यू विल लाइक मेक अ प्लान ऑफ गोइंग ऑन हिल स्टेशन नॉर्मली सारे लोग ये करते हैं यही चीज हो रही है ट्रांस ह्यूमन्स में इसमें क्या है जो पैस्चर्स है ये जो लोग हैं वो अपने एनिमल्स के साथ प्लेन से जाते हैं माउंटेन्स पर ड्यूरिंग समर्स एंड माउंटेन से आ जाते हैं नीचे प्लेन्स पर ड्यूरिंग विंटर्स फॉर्दर बेटर सस्टेनेंस ठीक है बेटर uh, मतलब बेटर अडेप्टेबिलिटी के लिए वो ये सब करते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांस ह्यूमस आप ये पढ़ भी सकते हो बट मैंने बहुत ही ज्यादा बेसिक लैंग्वेज में आपको समझा दिया अब देखो जो ये माउंटेनियस रीजनस हैं ना जैसे कि अह के जैसे कि गुज्जर्स भाकरवार्स गद्दीस बोतियास अब ये सारे वहां के कुछ ऐसे लाइक कैटेगरीज़ हैं जो कि वहां पर ये सब कुछ प्रैक्टिस करते हैं आगे चले तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है कि जो नंबर ऑफ पेस्टोरल नोमैड्स है वो कम क्यों हो रहे हैं इसके मेन रीजन है ड्यू टू द इम्पोजेशन ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज क्या पॉलिटिकल बाउंड्रीज को इम्पोज कर दिया गया है न्यू सेटलमेंट प्लान भी कंट्रीज ने लॉन्च कर दिए हैं तो इसीलिए वो अपनी मर्जी से जहां उनका मन करे वहां नहीं जा सकते ओके आई होप आपको अच्छे से ये सब समझ आ गया होगा आगे चलते हैं अब हम कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग पर एक होगी नोमैडिक हर्डिंग जो कि है पेस्टोरल नोमैडिज्म आगे आ जाता है कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग जैसे मैंने आपको बताया कि जो नोमैडिक हर्डिंग है ना वो प्रिमेटिव सब्सिस्टेंस है मतलब अपनी सिर्फ अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए बट कमर्शियल वो चीज होती है जो कि मार्केट से एसोसिएटेड होती है जो कि मनी से एसोसिएटेड होती है अब देखो बेसिक इसका डिफरेंट ये डिफरेंस ये है नोमैडिक हर्डिंग से कि सबसे पहले तो ये ज्यादा ऑर्गेनाइज है कैपिटल इंटेंसिव है इसको खड़ा करने के लिए कैपिटल लगता है वेर एज ये वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड है इसमें क्या है लोग जो है वो परमानेंट रचेस पर रहते हैं अब देखो कमर्शियल लाइफ स्टॉक एयरिंग पर क्या था जो लाइक like, हर्डर्स थे ना वो क्या कर रहे थे प्लेस टू प्लेस जा रहे थे डिपेंडिंग ऑन द पैश्चर एज वेल एज वाटर बट यहाँ पर लोग जो है वो परमानेंट रेंचेस पर रह रहे हैं अब एनिमल्स यहाँ आ जाते हैं शीप कैटल गोट्स हॉर्सेस ये सारे एनिमल्स ये मतलब बेसिक एनिमल्स एसोसिएटेड विथ कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग यही है आगे अगर हम देखें तो यहाँ बताया हुआ है कि जो ये रियरिंग है ना एनिमल्स की बहुत ज्यादा साइंटिफिक बेसिस पर है क्योंकि इस पर इनको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है जैसे कि एम्फोसिस देनी पड़ती है ब्रीडिंग पर जेनेटिक इंप्रूवमेंट पर डिसीज कंट्रोल हेल्थ केयर ऑफ द एनिमल ये मैंने सारी चीजें यहाँ पर आपको मैंशन भी करी है बहुत ही ज्यादा कम जगह पर नोट्स के अंदर ये सब सम किया हुआ है आगे ये कुछ जगहें हैं जिससे एसोसिएटेड है ये प्लेसेस आप लर्न कर लीजिए अगर आपके पास टाइम है नहीं तो आप सिर्फ इसको माइंड में भी रख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर एमसीक्यूज में आ गया ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद कमर्शियल स्टॉक तो उस केस के लिए आपको ये लर्न करना जरूरी है आगे अब हम चलते हैं एग्रीकल्चर पर अब देखो एग्रीकल्चर के बारे में तो ऑलमोस्ट सबको पता होगा ठीक है अब जो एग्रीकल्चर है ना वो बहुत ही ज्यादा बेसिक सी चीज है फर्दर इसको डिवाइड किया गया है इन टू टाइप्स एक है प्रिमिटिव प्रिमेटिव एंड एक है इंटेंसिव ठीक है एक इंटेंसिव एग्रीकल्चर है देखो यहाँ पर आपको हुआ इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर दो तरह का एग्रीकल्चर है प्रिमेटिव मतलब ओल्ड इंटेंसिव मतलब जिसमें हम न्यू टेक्नोलॉजी न्यू टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं अब सबसे पहले तो जो एग्रीकल्चर है ना वो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर को यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया है तो देखो सब्सिस्टेंस का वो मतलब है जिससे हमारी नीड्स फुलफिल हो रही है ओके okay, अब इसमें क्या होता है देखो सबसे पहले जो ये फार्म है जैसे फार्मर है ना उसके जो जो फार्म पर जो काम है वो उसके करते हैं फैमिली मेंबर्स बाहर से कोई लेबर नहीं आ रहा है दूसरी चीज कोई जो सरप्लस है जो कि मार्केट में जा सके टू अर्न मनी वो भी ज्यादा यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होता सबसिस्टेंस एक्टिविटीज में कमर्शियल में होता है और दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि सारा कुछ लोकली ग्रोन एंड यूटीलाइज है मतलब अगर फैमिली उसमें हेल्प कर रही है तो वो कंज्यूम भी फैमिली कर रही है मार्केट तक उनका प्रोडक्ट नहीं जा रहा है आगे चलते हैं जो ये प्रिमेटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर ये सबसे फर्स्ट टाइप है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के अंडर अब इसको हम कहते हैं शिफ्टिंग कल्टिवेशन भी मेन एरियाज है इसके ट्रॉपिक साउथ ईस्ट एशिया अफ्रीका साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका देखो इसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर वेयर एज एरिया वाइज भी इसके बहुत अलग अलग नाम है अब इसमें देखो क्या है इस वेजिटेशन में जनरली जो यहाँ पर लोगों ने ग्रो किया होता है ना उसको क्लियर करा जाता है बाय यूजिंग फायर अब उसमें जो है जो एशेज है जो राख बच जाती है उसमें क्या होता है उस राख से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है अब जो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन है इसीलिए इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं अब जो ये पैचेस जिसको कल्टीवेट किया होता है ना ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं और जो ये कल्टीवेशन है ना ये विद वेरी प्रमेटिव टूल बहुत ही ज़्यादा बेसिक टूल्स की मदद से की जाती है जैसे कि स्टिक्स हो गए होज हो गए एंड आफ्टर सम टाइम जैसे कि तीन से पांच सालों के बाद जो सॉइल है वो उसकी फर्टिलिटी को लूज कर देती है एंड जो फार्मर है उसको शिफ्ट करना पड़ता है तो टू अनादर पार्ट्स ठीक है क्योंकि तीन से पांच साल के बाद तो वो सॉइल अपनी फर्टिलिटी को लूज कर देगी तो वहाँ पर कुछ ग्रो नहीं हो पाएगा इसीलिए वो फार्मर फिर शिफ्ट करता है कुछ और लाइक like, पार्ट पर उसको क्लियर करता है ठीक है क्लियर करता है उस फॉरेस्ट को विथ फायर उस कल्टीवेशन के लिए आगे चलते हैं बट कुछ टाइम के बाद जो फार्मर है वो रिटर्न भी कर सकता है अपनी पैच पर जिससे वो पहले शिफ्ट किया था उसने ओके okay, अब यहाँ पर जो मेजर प्रॉब्लम है ना शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वो है साइकिल ऑफ झूम झूम मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना दूसरी जगह से फिर उधर ही आना और इसकी वजह से क्या होता है ना बहुत ही ज्यादा सॉइल का जो टेक्सचर है सॉयल की क्वालिटी जो है वो बहुत ज्यादा लूज हो जाती है इस एक्टिविटी की वजह से अब इसके नेम्स की अगर हम बात करें तो इसको और नेम से भी बुलाया जाता है जिस तरह जैसे कि झूमिंग मिल्पा एंड लदांग अब ये क्वेश्चन आपके बोर्ड्स एज वेल एज सी यू ई टी के लिए आप मार्क करके जाइए यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा ठीक है कि आ, इसमें आपको एक नाम दे दिया जाएगा फॉर एग्जाम्पल झूमिंग एमसीक्यूज में बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे कि किससे एसोसिएटेड है फिर आपको उसमें इसको टिक मार्क करके आना अब आ जाते हैं हम इंटेंसिव सब एग्रीकल्चर पर अब जो ये एग्रीकल्चर है ना ये ज्यादातर फाउंड होता है मॉनसून एशिया में इसके टाइप्स भी दो हैं सबसे पहले आ जाता है डोमिनेटेड बाय वेट पैडी कल्टीवेशन एंड देन देन क्रॉप्स अदर पैडी अब देखो जो वेट पैडी वाला ना इसमें ओनली पैडी जो है उसको ग्रो करते हैं वेर आज जो दूसरा है उसमें देखो जो ये जगहें है ये बताई हुई है जैसे कि चाइना मंचूरिया में होता है ज्यादातर एंड जो क्रॉप्स है वो है वीट सोयाबीन बार्ली सोयाग ओके आगे अब हम यहाँ पर इसको देखते हैं सबसे पहले इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय वेट पैडी कल्टीवेशन अब देखो इस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर में क्या है यहाँ पर राइस क्रॉप की डोमिनेंस है जो लैंड होल्डिंग अब देखो जो है मैं यहाँ पे फीचर समझा रही हूँ ना वो इन दोनों के सेम है लैंड होल्डिंग्स दोनों में ही बहुत ही ज्यादा छोटी होती है फार्मर्स जो है वो काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर फैमिली लेबर मतलब बाहर से कोई उनको लेबर नहीं लाते वो देन जो मशीनरी का यूज है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है ठीक है एंड ज्यादातर काम जो है मैनुअल लेबर लोग खुद करते हैं उसको देन इज टू मेंटेन फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल यहाँ पर कोई केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं किए जा रहे हैं फार्मार्ड मैन्योर को ही यूज किया जा रहा है देन आ जाता है यहाँ पर कि जो ये पर यूनिट एरिया है वो हाई है बट लेबर प्रोडक्टिविटी जो है वो लो है अब बात करते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन पैडी अब देखो हर जगह अब आपको ये तो पता होगा ना कि राइस एक ऐसी क्रॉप है जिसको पर्टिकुलर कंडीशन चाहिए होती है स्पेशली वाटर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए तो हर जगह तो इतना वाटर नहीं मिलता तो जहां इतना वाटर नहीं होता ना वहां राइस के अलावा जो क्रॉप्स है वो ग्रो किए जाते हैं बेसिक बेसिकली ठीक है अब यहाँ पर देखो क्या चीज आ जाता है uh, यहाँ पर यहाँ पे बताया गया है इट इज नॉट प्रैक्टिस इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल टू ग्रो पैडी इन मेनी पार्ट्स ऑफ मॉनसून एशिया ठीक है इसीलिए बार्ली एंड आर इन नॉर्थ चाइना मंचूरिया नॉर्थ कोरिया नॉर्थ जापान इन इंडिया वीट इज ग्रोन इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडो गंगटिक प्लेन्स और अगर इंडिया की बेसिकली बात करें तो यहाँ पर वीट ज्यादा ग्रो की जाती है यहाँ पर जगह भी बता दी इंडो प्लेन्स मिलेट्स को भी ग्रो किया जाता है इन ड्राई पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया में मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर आर सिमिलर टू डोज़ डोमिनेटेड बाय वेट पैड़ी एक्सेप्ट दैट इरीगेशन इज ऑफ्टन यूज अब हम आगे चलते हैं ऑन प्लांटेशन एग्रीकल्चर अब देखो प्लांटेशन एग्रीकल्चर को इंट्रोड्यूस किया था यूरोपियंस ने ओके okay, यूरोपियंस की बहुत सारी कॉलोनीज थी तो उन कॉलोनीज पे यूरोपियंस ने इस तरह के एग्रीकल्चर को प्लांटेशन एग्रीकल्चर को इंट्रोड्यूस किया था अब देखो इसके जो मेजर क्रॉप्स है ना वो हो जाते हैं टी कॉफी कॉटन कोका शुगर केन रबर एंड बनाना अब इसके जो बेसिक कुछ मैं अगर आपको फीचर्स बताऊं तो सबसे पहले इसमें लार्ज स्टेट होती है इसके एग्जांपल आप दे सकते हो जैसे कि दार्जिलिंग में टी गार्डन्स है वो बहुत ही ज्यादा लार्ज है देन आ जाता है हमारे पास मार्जिनल एंड टेक्निकल सपोर्ट इसमें टेक्नोलॉजी भी लगती है देन इसमें लार्ज कैपिटल लगता है साइंटिफिक मेथड्स को यूज किया जाता है सिंगल क्रॉप स्पेसिफिक होते हैं ये देन चीप लेबर इसमें हम रिक्वायर करते हैं क्योंकि देखो यहाँ का जो लार्ज स्टेट्स लैंड होल्डिंग्स बहुत ही ज्यादा बड़े हैं तो इसीलिए अगर हम लेबर ये देखो अगर लैंड होल्डिंग्स बड़े हैं तो ये ऑब्वियस है कि लेबर जो है वो ज्यादा लगेगा अगर लेबर ज्यादा लगेगा ना अगर बल्क में लगेगा तो इसीलिए वो ये सोचते हैं कि उनका जो कॉस्ट है उनको कम पड़े ठीक है दैट्स वाई ये जरूरी हो जाता है टू हैव चीप लेबर देन गुड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखो यही सब यहाँ पर बताया गया है इसके करेक्टरिस्टिक्स ये आपको क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकता है बोर्ड में ओके okay, सभी मैंने आपको वहां पर एक्सप्लेन कर दिया है अब देखो बेसिक चीज़ ये लर्न करना है कि कौन से लाइक like, जैसे कि फ्रेंच है उन्होंने इस्टेब्लिश क्या किया कहाँ पर किया ब्रिटिशर्स ने क्या इस्टेब्लिश किया स्पेनिश एंड अमेरिकन ने क्या किया ये सब है तो मैंने इसके लिए आपको ये अप कर दिया है यहाँ पर अब देखो जो फ्रेंच है ना उन्होंने कोका एंड कॉफी को इस्टेब्लिश करा वेस्ट अफ्रीका में ब्रिटिशर्स ने टी टी को इंट्रोड्यूस किया इन इंडिया एंड श्रीलंका देन रबर को भी ब्रिटिशर्स ने किया इन मलेशिया देन केन एंड बनाना कल्टिवेशन उन्होंने स्टार्ट करवाई इन वेस्ट इंडीज ओके okay? आगे बात करें तो जो स्पेनिश एंड अमेरिकन है उन्होंने स्टार्ट करवाई कोकोनट एंड शुगर केन कल्टिवेशन इन फिलिपींस देन डच जो है उन्होंने शुगर केन जो है कल्टिवेशन करवाई इन इंडोनेशिया देन यूरोपियन जो है उनके फिजांडाज है फजांडाज देखो यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है जिसका मतलब है लार्ज प्लांटेशन वो है ब्राजील में एंड इसका ये फैक्ट है कि आज भी ब्राजील्स के वो फजेंडास मैनेज करते हैं यूरोपियंस यहाँ पर भी ये सेम ही चीज बताई गई है कि जो फ्रेंच है उन्होंने इस्टेब्लिश करे कोका एंड कॉफी प्लांटेशन वेस्ट अफ्रीका में ब्रिटिशर्स ने सेटअप किया लार्ज टी गार्डन्स इंडिया में एंड श्रीलंका में रबर प्लांटेशन करी मलेशिया में शुगर केन बनाना इन वेस्ट इंडीज स्पेनिश एंड अमेरिकन इन्वेस्टेड इन हैविली इन शिया अब यह क्वेश्चन आ सकता है दैट हुनापली ओवर शुगर किन प्लांटेशन इन इंडोनेशिया तो हमारा आंसर होगा डच सम कॉफी फजांडा इन ब्रेजील आर स्टिल मैनेज बायोपिय अब आगे चलते हैं हम एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रीन कल्टिवेशन अब ये बहुत ज्यादा छोटा सा टॉपिक है ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है बट सिर्फ इसको समझ लो कि जो ये ये टाइप है ना ये प्रैक्टिस होता है ऑन इंटीरियर पार्ट्स ऑफ सेमी एरिड लैंड्स ऑफ मिड लैटिट्यूड्स अब यहाँ पर जो वीट है वो प्रिंसिपल क्रॉप्स है देखो प्रिंसिपल क्रॉप होने का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रीन कल्टीवेशन में सिर्फ हम वीट ही ग्रो करते हैं नो no, बाकी क्रॉप्स भी हैं जैसे कि कॉर्न बार्ली ओट्स राय ये सब भी ग्रो किया जाता है द साइज ऑफ द फार्म इज वेरी लार्ज देयरफॉर इंटायर ऑपरेशंस ऑफ कल्टीवेशन फ्रॉम प्लोइंग टू हार्वेस्टिंग आर मैकेनाइज्ड ओके okay, ये जो लार इसमें भी फार्म साइज बहुत ज्यादा लंबे लार्ज है ठीक है बहुत ही वास्ट एरिया ऑफ लैंड है इसीलिए यहां पर भी मशीनरीज का यूज किया जाता है ओके okay, अब आगे चलते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है देर इज लो यील्ड पर एकर बट हाई यील्ड पर पर्सन ये क्वेश्चन है बहुत ज्यादा ब्रेन करने वाला अब इसको आप अगर आपको इसका आंसर आता है सो प्लीज राइट द आंसर इन कमेंट सेक्शन बहुत ही ईजी टाइप का आंसर है आपको ये पॉइंट है जो स्टक करेगा माइंड में जब आप इसके बारे में सोचोगे ओके okay? आगे अब हम चलते हैं तो इस टॉपिक में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कमर्शियल ग्रीन कल्टिवेशन में फॉर श्योर sure. इसमें जो मैंने आपको अब पढ़ाया वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस इज रिड्यूस टू ओनली वन परसेंट ज्यादातर चांसेस नाइनटी नाइन परसेंट क्वेश्चन आने के यहाँ से है यहाँ पर ये क्वेश्चन आ जाता है दैट जैसे कि यहाँ पर नेम्स दिए हुए हैं ये डेवलप है क्यूरेशन स्टेपीज कैनेडियन एंड अमेरिकन प्लेज पंपाज अर्जेंटीना येल्स ऑफ साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलियन डाउन कैंटबरी प्लेन्स ऑफ न्यूजीलैंड अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कैंटेबरी प्लेन्स किससे एसोसिएटेड है डाउन्स किससे एसोसिएटेड है देखो इस तरह से मैंने यहाँ पे भी बता दिया यूरेशिया से एसोसिएटेड है यूरेशिया में इसको कहते हैं सॉरी कनेडियन एंड अमेरिकन प्रेरीज ऑफ अर्जेंटीना ऑफ साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलियन डाउन एंड कैंटबरी प्लेन्स ऑफ न्यूजीलैंड अब इन सबको आपको मैप पे भी लोकेट करना आना चाहिए आगे चलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग पर नेम से ही क्लियर है कि मिक्स्ड फार्मिंग वो फार्मिंग है जिसमें दो या फिर दो से ज्यादा क्रॉप साथ में उगाई जाती हो जगहें देखिए जहां पर ये ज्यादा प्रैक्टिस होती है वो है नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप ठीक है नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका पार्ट्स ऑफ यूरेशिया टेम्परेट लैटिट्यूड ऑफ सदरन कॉन्टिनेंट अब यहाँ पर मिक्स्ड फार्म्स आर मॉडरेट इन साइज इसके अगर फीचर्स देखें ना तो जो उसका साइज जैसे हमने पहले पड़ा कि साइज़ ज़्यादा पड़ा है प्लांटेशन एग्रीकल्चर में कमर्शियल एग्रीकल्चर में भी बट यहाँ पर मिक्स्ड फार्मिंग पे जो लैंड का साइज है ना वो मॉडरेट है यूजुअली जो क्रॉप्स है वो है वीट बार्ले ओट्स राय मीस फॉर्डर रूट क्रॉप्स ओके ये सारी क्रॉप्स ही वहाँ पर ग्रो की जाती है फॉर्डर क्रॉप्स आर एन इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ मिक्सड फार्मिंग क्रॉप रोटेशन एंड इंटरक्रॉपिंग प्ले इम्पोर्टेंट रोल इनटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी अब यहाँ पर देखो क्रॉप रोटेशन भी की जाती है एज वेल एज इंटरक्रॉपिंग की जाती है आगे चले तो एनिमल्स लाइक कैटल शीप पिग्स पोल्ट्री एनिमल्स आर द मेन सोर्स ऑफ इनकम अलॉन्ग विद्रॉप्स अब मिक्सड फार्मिंग की अगर हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखें तो इसमें देखो क्या है हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर है ठीक है दूसरी चीज हम करें तो फार्म मतलब मशीनरी बहुत ज्यादा यूज होती है एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ़ केमिकल फर्टिलाइज़र्स एक्सपर्टीज चाहिए होती है इसके लिए स्किल्स चाहिए होती है ग्रीन मेन्य जो है इसमें यूज होती है फिर हमारे पास टॉपिक आ जाता है डेयरी फार्मिंग का डेरी फार्मिंग से एसोसिएटेड आपने एक चीज तो सुनी ही होगी ना कि डेयरी फार्मिंग जो करता है लाइक जो Uh, ये वाला जो वर्क है ना इसमें कोई ऑफ सीजन नहीं होता थ्रू आउट द ईयर थ्री सिक्सटी फाइव डेज अगर आप डेयरी फार्मिंग में एंगेज हो तो यू विल अर्न इनकम बट उसके साथ साथ डेरी फार्मिंग करना इतना आसान भी नहीं है अब यहाँ पर देखो डेयरी फार्मिंग में क्या है कि इसमें ना बहुत ज्यादा कैपिटल लगता है क्योंकि इसमें हमें एनिमल शेड्स भी रखने होते हैं स्टोरेज फैसिलिटीज होनी चाहिए फीडिंग एनिमल्स uh, को करनी होती है मिल्चिंग मशीन्स चाहिए होती हैं तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव है मतलब कि अगर हमें डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करनी है ना सो फॉर दैट वी शुड हैव अ अमाउंट ऑफ मनी सेकेंड चीज़ जो है इस पर स्पेसिफिक एम्फोसिस होता है ऑन कैटल ब्रीडिंग हेल्थ केयर एंड वेटरनरी सर्विसेज ओके ये सब मैंने आपको यहाँ पर फ्लो चार्ट के थ्रू यहाँ पर एक्सप्लेन किया है आप इस पर भी एक लाइक like, इसको भी देख सकते हो आगे अगर हम बात करें तो इसमें लेबर इंटेंसिव है ये यहाँ पर लेबर चाहिए होता है फॉर टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स ऑल्सो दूसरी चीज यहाँ पर बताई गई है ये मेनली प्रैक्टिस होता है इंडस्ट्रियल सेंटर्स पर ठीक है क्योंकि इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स है जैसे कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन अच्छी होनी चाहिए रेफ्रिजरेशन पेस्ट्राइजेशन ओके ये सारी चीजें ये सभी चीजें इसमें नेसेसिटीज हैं जो कि चाहिए होती है Uh, दूसरी चीज क्या है एंड प्रेज प्रिवेंशन प्रोसेस है ड्यूरेशन ऑफ स्टोरेज ऑफ वेरियस डेयरी प्रोडक्ट अब देखो डेयरी प्रोडक्ट्स है वो खराब हो सकता है अगर उनको पर्टिकुलर नेसेसिटीज प्रोवाइड नहीं की गई इसीलिए ये सभी चीजें जो मैंशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कहाँ कहाँ ये चीजें होता है होती हैं लार्जेस्ट जो है वो है नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप सेकेंड है कैनेडा थर्ड है हमारी साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एंड तस्मेनिया आगे आ गया मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर अब देखो मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर भी बहुत इजी है यहाँ पर क्या है स्पेसिफिकली यहाँ पर कमर्शियल एग्रीकल्चर होता है मतलब इसमें हमें प्रॉफिट भी काफी मिलता है ये प्रैक्टिस किया जाता है इन मेडिटेरेनियन कंट्रीज में ठीक है ये सारे एग्जाम्पल दिए हैं उन कंट्रीज़ के जैसे कि यहाँ पर आ गया हमारे पास नॉर्थ अफ्रीका टूनिशिया अटलांटिक कोस्ट साउथ सदरन कैलिफोर्निया सेंट्रल चाइल्ड साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका एंड साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया आगे चलते हैं अब यहाँ पर विटिकल्चर आ जाते हैं एम सी की उसमें पूछा जा सकता हैल्चर तो विटिकल्चर इज ग्रेप कल्टिवेशन ओके अब जो ये ग्रेप कल्टिवेशन है इसका भी बताया हुआ है कि ये स्पेसिफिकली होती है मेडिटरेन रीजन में बेस्ट क्वालिटी जो वाइन है ना वर्ल्ड में जो बेस्ट क्वालिटी ऑफ वाइन है इन द वर्ल्ड वो भी आ रही है फ्रॉम हाई क्वालिटी ऑफ ग्रेप्स द इनफीरियर ग्रेप्स आर ड्राइड अब देखो जो ज्यादा अच्छा है उनको यूज कर लिया जाता है इन मेकिंग वाइन थोड़े से इनफीरियर है उनको बना लिया जाता है उनको ड्राई कर दिया जाता है एंड उनकी रेजन किशमिश जो हम कहते हैं वो बना ली जाती है एडवांटेज ऑफ मेडिटेनियन एग्रीकल्चर इज दैट मोर वैल्यूएबल क्रॉप एज

अब ये चीज़ें करी जाती है फॉर अर्बन मार्केट्स अब जनरली जो ये फार्म है ना ये लोकेट किए जाते हैं नियर टू अर्बन एरिया अब इसके रीजन सबसे पहले वहाँ के लोगों की परचेजिंग पावर हाई है वहाँ के लोगों की जो डिमांड है वो इन चीज़ों के लिए है बिकॉज जो रूरल एरियाज है ना वहाँ पर लोग ऐसी चीजों के लिए डिमांड ही नहीं रखते हैं दैट्स वाई ये चीजें जो है इसमें लोकेशन लोकेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है आगे चले तो यहाँ पर लेबर एंड कैपिटल इंटेंसिव है दोनों पर ही इनको खर्चा करना पड़ता है अब लेबर में इनको इरिगेशन यूज करनी है एच वाई वी सीड्स फर्टिलाइजर्स इंसेक्टिसाइड्स ग्रीन हाउसेज एंड आर्टिफिशियल हीटिंग इन द कोल्ड रीजन ये सारी चीजें नसेसिटीज हैं दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज वेल डेवलप्ड इन डेंसली पॉपुलेटेड इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट यूरोप नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड मेडिटेरेनियन रीजन द नीदरलैंड स्पेशलाइजेज इन ग्रोइंग फ्लावर्स एंड हॉर्टिकल्चरल ट्यूलिप्स विच आर फ्लोन टू ऑल मेजर सिटीज ऑफ यूरोप तो ये सारी यहाँ पे बताई गई है किस किस एरियाज में क्या क्या इम्पोर्टेंट है देन जो ये रीजनस जहाँ पर फार्मर जो है वो ना स्पेशली वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं उस टाइप की फार्मिंग को कहा जाता है ट्रक फार्मिंग अब देखो जो डिस्टेंस है ना ट्रक फार्म्स का फ्रॉम द मार्केट वो है गवर्न बाय द डिस्टेंस दैट अ ट्रक कैन कवर ओवरनाइट अब देखो ओवरनाइट वो ट्रक उतना डिस्टेंस कवर कर लेता है टू द मार्केट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आगे अगर हम चले जो ये मार्केट गार्डनिंग है ना ये एक मॉडर्न डेवलपमेंट uh, होती है इसकी इन इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप नॉर्थ अमेरिका अब आगे देखो यहाँ पर देख देखो बेसिकली यहाँ पर यह बताने की कोशिश की गई है कि जो मार्केट गार्डनिंग है ये एक मॉडर्न डेवलपमेंट है इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका में वो है फैक्ट्री फार्मिंग वहाँ पर फैक्ट्री फार्मिंग भी की जाती है आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो इट रिक्वायर्स हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट टर्म्स ऑफ बिल्डिंग मशीनरीज फॉर वेरियस ऑपरेशन वेटनरी सर्विसेज हीटिंग एंड लाइटनिंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ क्वालिट्री एनिमल्स एंड कैटल रियरिंग इज ब्रीड सेलेक्शन एंड साइंटिफिक ब्रीडिंग ये सारी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीजें हैं द जो टाइप्स ऑफ फार्मिंग है ना इट कैन बी कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू द फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन स पॉलिसीस ऑफ द गवर्नमेंट हेल्प दम टू रन दीज फार्मे अगर हम देखें तो फर्दर अब और टाइप ऑफ फार्मिंग भी हैं जैसे कि कोपरेटिव फार्मिंग एंड कलेक्टिव फार्मिंग अब देखो इनके बीच का ना डिफरेंस है तभी मैंने इसमें वर्सेस करके लिखा है क्योंकि है इसका जो बेस है वो सेम है इसमें क्या है लोगों को कॉपरेट करना है या फिर कलेक्टिवली काम करना है तो इसमें एक चीज जो कॉमन है ना वो है शेयरिंग उनको शेयरिंग करना पड़ेगा इस यहाँ पर वर्ड यूज किया है पूलिंग ओके यहाँ पर देखो क्या है कोऑपरेटिव फार्मिंग में क्या है ग्रुप ऑफ फार्मर्स को फॉर्म uh, करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी अब वो कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म होती है बाय पूलिंग इन देयर रिसोर्सेज शेयर कर कर वॉल्ट्री ठीक है वॉल्ट्री सर्विसेज देकर फॉर मोर एफिशिएंट एंड प्रॉफिटेबल फार्मिंग इंडिविजुअल फार्म रिमेन इंटैक्ट एंड फार्मिंग इज अ मैटर ऑफ कोऑपरेटिव इनिशिएटिव अब देखो जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म हो जाती है ना इससे मदद होती है फार्मर्स की जिससे वो इम्पोर्टेंट इनपुट्स ले सकते हैं फार्मिंग के वेर एज वो सेल कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को एज मोर फेवरेबल टर्म्स एंड हेल्प इन प्रोसेसिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एट चीपर रेट्स आगे चले तो जो ये कॉपरेटिव मूवमेंट है ना ये ओरिजिनेट हुआ ओवर सेंचुरीज एंड हैड बिन सक्सेसफुल इन मेनी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज लाइक डेनमार्क नीदरलैंड्स बेल्जियम स्वीडन इटली एटसेट्रा तो ये सारी इंपॉर्टेंट इससे कंट्री है बट डेनमार्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि वहां पर जो मूवमेंट है ना ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा कि हर एक फार्म डेनमार्क में जो है वो एक मेंबर है हर एक फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाउ हेयर इज कलेक्टिव फार्मिंग अब जो बेसिक प्रिंसिपल है ना कलेक्टिव फार्मिंग के पीछे वो है सोशल ओनरशिप ठीक है सोशल ओनरशिप ये जो कलेक्टिव फार्मिंग है ना ये ये बेस्ड है ऑन द मॉडल ऑफ कोलकोस ये जो कोलकोस का मॉडल है ये इंट्रोड्यूस किया था सोवियत यूनियन ने ताकि वो इम्प्रूव कर पाए इन एफिशियंसीज ऑफ प्रीवियस मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर अब देखो सोवियत यूनियन में क्या हो रहा था जो प्रीवियस मेथड थे ना एग्रीकल्चर के वो सरप्लस प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे इसीलिए उन्होंने एक मेथड दिया जो कि था मॉडल दिया या फिर जो कि जिसका नाम था कॉलकोस ठीक है आगे चलते हैं तो इसमें क्या है फार्मर यूज अपनी रिसोर्सेस को शेयर करते हैं जैसे कि लैंड्स को लाइफ स्टॉक को लेबर को हावएर देवर अलाउड टू रिटेन वेरी स्मॉल प्लॉट टू ग्रो क्रॉप इन ऑर्डर टू मीट दर डेली रिक्वायरमेंट्स बेसिकली यहाँ पर क्या है ईयरली टारगेट सेट कर दिया गवर्नमेंट ने कि जो ये बेसिक एरिया ऑफ लैंड है एक वो कितना मतलब कितना जो है प्रोड्यूस करेगा और एट द एंड जितना भी ये प्रोड्यूस है ये सेल करना है टू द गवर्नमेंट गवर्नमेंट ही इनसे ये प्रोड्यूस को खरीदेगी एंड जो प्रोड्यूस इन एक्सेस ऑफ फिक्स्ड अमाउंट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स और सोल्ड इन द मार्केट देखो फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने एक्सेस किया कि इसमें से थोड़ा लाइक टेन के जीज ऑफ वीट निकलेगी इस बार बट वो आ गई ट्वेल्व के जीज तो जो वो सरप्लस है उसको या तो जो लोग हैं उनमें डिवाइड कर दिया जाएगा या फिर वो भी मार्केट में भेज दिया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ सेल अब जो फार्मर्स है ना उनको पे करने पड़ेंगे टैक्सेस ऑन द फार्म प्रोड्यूस जितना भी फार्म ने ये चीजें प्रोड्यूस करी है उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टैक्स लगेगा ओके टैक्सेस फार्मर फार्मर्स पे करेंगे तो फिर आगे देखो मेंबर्स वर्क अलॉटेड टू दे फार्म मैनेजमेंट अब फार्म मैनेजमेंट है वो उनको पे करेगी उनके वर्क के अकॉर्डिंग जो वो काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एक्सेप्शनल वर्क वॉज रिवॉर्डेड इन कैश और काइंड अब देखो कैश और काइंड ये चीज आप हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे कैश पेमेंट बाय कैश मतलब मनी में काइंड मतलब उनको उसके बदले कोई और चीज दे दे दी गई जैसे बाटर में होता था this type of farming was introduced in former Soviet Union under the socialist regime, which was adopted by socialist country after its collapse. These have already been है अब ये चीजें जो हैं वो मॉडिफाई हो चुकी हैं आई होप आपको ये सिस्टम समझ आ गया हो कि इसमें क्या है सरकार जो है वो इसकी कैपेसिटी फिक्स कर देगी कि इस बार जो टेन के है इससे होगा मतलब आपको प्रोड्यूस करना है वो टेन के बाद में गवर्नमेंट को सेल कर दिया जाएगा और अगर कोई सरप्लस बचता है जो फर्दर है वो या तो डिवाइड कर दिया जाएगा मेंबर्स या फिर उसको मार्केट में भेज दिया जाएगा फॉर सेल एज जो लोग है उनकी पेमेंट होगी इन टर्म्स ऑफ देर वर्क जिस तरह का वो वर्क कर रहे हैं उस तरह की उनकी पेमेंट की जाएगी अब आगे आ जाती है प्राइमरी एक्टिविटीज की एक और टाइप जो कि है माइनिंग अब देखो माइनिंग भी डायरेक्टली एसोसिएटेड है नेचर से दैट्स वाई हम इसको पढ़ रहे हैं प्राइमरी एक्टिविटीज में अब देखो डिस्कवरी ऑफ मिनरल्स जो है ना हिस्ट्री में वो रिफ्लेक्ट होता है मेनी स्टेजेस पे जैसे कि कॉपर एज ब्रॉन्ज एज आयरन एज अब जो ये मिनरल्स का यूज है एंशियंट टाइम में ना ये लार्जली डिपेंडेंट था टू मेकिंग ऑफ टूल्स यूटेंसिल्स मतलब ये सब चीजों में ही मिनरल्स को यूज़ किया जाता था बट जो एक्चुअल डेवलपमेंट हुई माइनिंग की ना वो हुई विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड उसकी इम्पोर्टेंस भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ही इंक्रीज हुई अब अगर हम बात करें फैक्टर्स की जो कि माइनिंग को इफेक्ट करते हैं देखो दो तरह के फैक्टर्स हैं फिजिकल एंड इकोनॉमिक फिजिकल फैक्टर्स में आ जाता है साइज ग्रेड एंड मोड ऑफ अक्स ऑफ द मेटल इकोनॉमिक में आ जाता है डिमांड ऑफ द मेटल मटेरियल टेक्नोलॉजी एंड द कैपिटल ये सभी चीजें आ जाती है फिर अभी यहाँ पर है द प्रोफिबिलिटी ऑफ माइनिंग ऑपरेशन दस डिपेंड्स ऑन टू मेन फैक्टर्स ये हमने फैक्टर्स सारे पढ़ लिए आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है मेथड्स ऑफ माइनिंग अब माइनिंग जनरली दो तरह के सबसे पहले आ जाता है हमारे पास सरफेस माइनिंग एंड अंडरग्राउंड माइनिंग अब जो ये सरफेस माइनिंग है इसको हम बोलते हैं ओपन कास्ट मेथड क्योंकि इसमें हमें ज्यादा जमीन के नीचे नहीं जाना है Whereas जो ये अंडरग्राउंड माइनिंग है ना इसको हम बोल देते हैं शैफ्ट मेथड इसमें बहुत सारी ये जो है ना टूल्स एंड जो मशीन है वो भी यूज की जाती है अब यहाँ पर देखो सरफेस माइनिंग इज ऑल्सो नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग इज द इजिएस्ट एंड द चीपेस्ट वे ऑफ माइनिंग मिनरल्स दैट अकर्स क्लोज टू द सर्फेस अब ओवरहेड कॉस्ट जो है ना इसका वो बहुत ज्यादा लाइक एज सेफ्टी इक्विपमेंट इज रिलेटिवली लो बहुत ज्यादा कम है द आउटपुट इज बोथ लार्ज एंड रैपिड कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट कम है और जो आउटपुट है वो ज्यादा है तो इसलिए ये ज्यादा जो है प्रॉफिटेबल है देन अगर हम चले अंडरग्राउंड मेथड पर तो जो ये मेथड है ना इसमें क्या होता है वर्टिकल ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर भी ये शैफ्ट वर्टिकल शाफ्ट्स को इन्होंने इंस्टॉल किया होता है वर्टिकल शाफ्ट्स हैव टू बी संग फ्रॉम वेयर अंडरग्राउंड गैलरीज रेडिएट अब जो इसके अंडरग्राउंड गैलरीज है ना ये रेडिएट करती हैं टू रीच टू द मिनरल्स मिनरल्स तक पहुंचती हैं फिर मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू द सरफेस अब देखो इस पैसेज के थ्रू जो है मिनरल्स को फिर फर्दर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा अब ये रिक्वायर करता है स्पेशली डिजाइन लिफ्ट ड्रिल्स हॉलेज व्हीकल्स वेंटिलेशन सिस्टम फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ पीपल एंड मटेरियल। अब देखो ये सभी चीजें इसमें जरूरी हैं और दूसरी बात मैंने यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया है थ्रेड्स क्योंकि इसके थ्रेट्स पर भी क्वेश्चन आ सकता है ये मेथड बहुत ज्यादा रिस्की है क्योंकि यहाँ पर आपने सुना भी होगा न्यूज में दैट सेवरल पीपल जो है ना उनकी डेथ हो जाती है जो कि माइनिंग एक्टिविटीज में कई बार एंगेज होते हैं क्योंकि यहाँ पर रिस्क है ड्यू टू पॉइजनस फायर्स फ्लड्स केविंग इन लीड टू द ठीक है इसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं द डेवलप्ड कंट्रीज आर रिटेनिंग फ्रॉम माइनिंग प्रोसेस एंड रिफाइनिंग स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू हाई लेबर कॉस्ट वायर द डेवलपिंग कंट्रीज विद लार्ज लेबर फोर्स एंड स्ट्राइविंग फॉर हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर बिकमिंग मोर इंपॉर्टेंट सेवरल कंट्रीज ऑफ अफ्रीका एंड फ्यू ऑफ साउथ अमेरिका एंड एशिया हैव ओनली ऑफ अर्निंग फ्रॉम मिनरल्स है देखो इन कंट्रीज को फिफ्टी परसेंट ऑफ जो अर्निंग है वो सिर्फ और सिर्फ मिनरल से हो रही है सो दट इट फॉर दिस चैप्टर अगर आपको वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल थैंक यू सो मच